या एग्जांपल नंबर 21 आपको कह रहा है यूज डिफरेंशिएशन टू अप्रोक्सीमेट रूट ओवर 36.6, यानी कि क्लास 12 में आपने जो डेरिवेटिव्स पढ़े हैं चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है, उसकी हेल्प से आपको इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर आपको कोई भारी भरकम टॉपिक नहीं पढ़ना है। हम क्या करेंगे, इस एल्गोरिथम को हम फॉलो करेंगे और 2-3 क्वेश्चन जहां मैंने आपको करके दिखाए आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। आइए एल्गोरिथम एक बार देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 कहता है कि आइडेंटिफाई द फंक्शन, फंक्शन को पहचानो, कह रहा है फिर एक्स को निकालो, फिर डेल्टा वाई इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला दिया हुआ है, फिर डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई डिक्स इनटू डेल्टा एक्स दिया हुआ है और बोल रहा है डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। आइए देखते हैं सब चीजें क्या है। तो स्टेप वन में आपको क्या करना है बच्चों, सॉल्यूशन में देखिए कह रहा है कि फंक्शन को पहचानो, आइडेंटिफाई द फंक्शन। आपका फंक्शन क्या है, देखो स्क्वायर रूट फंक्शन है यहाँ पर आपका, ठीक, रूट ओवर 36, अभी फंक्शन पहचानना आने लगेगा, परेशान ना हो, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 में जो फंक्शन है हमारा वो स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो स्टेप वन में आप क्या करोगे, आप फंक्शन को लिख लो, एफ ऑफ एक्स को आप वाई भी लिख सकते हो, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, और यहाँ अंदर एक वेरिएबल डाल दो एक्स, रूट ओवर एक्स, बात समझ में आ गई, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो कहता है कि फाइंड एक्स या चूज एक्स या आप एक्स को पहचानिए। अब एक्स को कैसे पहचानेंगे, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो बच्चों इस तरीके से हम पहचानते हैं, एक्स वो क्वांटिटी होती है जिसका वैल्यू हमको पता होता है। क्या मैंने बोला, एक्स वो क्वांटिटी होती है जिसका वैल्यू हमें पता होता है, मतलब समझो जरा, मतलब समझो, देखो जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 लिखा हुआ है, मैंने कहा यार एक बार बताओ 36.6 के आसपास कोई नंबर ऐसा जानते हो जिसका स्क्वायर रूट तुमको याद हो, तुमको पता हो, तो तुम बोलोगे हाँ भाई हमको तो पता है, हमने पूछा क्या, तो आपने बोला कि सर मुझे रूट ओवर 36 पता है, ये 6 होता है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 36 होता है, मैंने कहा ठीक है भाई बहुत बढ़िया। तो ये तो 36.6 के आसपास का नंबर ना जिसका स्क्वायर रूट तुमको पता है वही नंबर x होता है बच्चों, वही नंबर क्या होता है, x होता है। तो हेयर x इज इक्वल्स टू व्हाट, 36, हेयर x इज इक्वल्स टू 36, ठीक है, बात समझ में आई, चलो अब देखो अभी धीरे धीरे आएगा, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। स्टेप नंबर 3 में क्या कहता है, स्टेप नंबर 3 में कहता है, ये स्टेप 2 मैंने फॉलो कर लिया, ठीक है, स्टेप नंबर 3 में कहता है कि आपको एक डेल्टा वाई निकालना है और डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। अब देखो हमको क्लियर दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स तो भाई क्या है, यहाँ रूट एक्स हम आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। ये क्या वाला है, ये क्या चीज़ है, समझो देखो एक बार बताओ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अंदर आपको दिया हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वेश्चन में दिया है ना 36.6, ठीक है, ये जो क्वांटिटी होती है स्टूडेंट्स, यही क्वांटिटी होती है आपकी क्या, x प्लस डेल्टा x, क्या होती है ये, x प्लस डेल्टा x। तो यहाँ पे मैं आपको साइड में करके दिखा रहा हूँ, ये जो पूरा अंदर दिया है यही आपका क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x, ठीक है। तो x प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू व्हाट, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, परेशान मत हो, जहाँ 2-3 क्वेश्चन किया परंगत हो जाओगे। तो x प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू 36.6 अगर मैं रख दूँ, और मैं अगर तुमसे पूछूँ तुमने x क्या चूज किया था, तुम फटाक से बता दोगे कि सर मैंने x 36 चूज किया था, मैं बोलूँगा भाई रख दो यहाँ लाके, सुनो जो अंदर दिया रहता है वो x प्लस डेल्टा x होता है, और x तो तुम पहले ही चूज कर चुके हो, तो x की वैल्यू यहाँ रख दो, लो रख दो, तो 36 रखा मैंने x की जगह, तो यहाँ से आ गया 36 प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 36.6। अब मैंने तुमसे बोला कि भाई डेल्टा x निकाल सकते हो, तुम बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, मैंने कहा कैसे, तुम बोलोगे एक काम करो 36.6 में से इसको माइनस कर दो, 36 राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा, हाँ भाई 36.6 माइनस 36 आता है करना माइनस, तो क्या हो जाएगा डेल्टा x कितना आ जाएगा 0.6 आ गया, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आप डेल्टा x भी फाइंड करने में कामयाब हो गए, ठीक है। अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, समझिए जरा, देखिए एक बात बताइए कि अगर मैंने आपको बोला कि भाई एफ ऑफ एक्स आपका कितना है रूट एक्स, ठीक है, थोड़ा सा क्लास 11th में चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो जब हमसे बोलता था याद करो हमसे बोलता था एफ ऑफ 1 निकालो, तो जहाँ जहाँ एक्स आता था वहाँ हम क्या रख देते थे 1, याद है, फिर एफ ऑफ 2 अगर निकालो बोलता था, तो जहाँ जहाँ एक्स आता था वहाँ हम क्या रख देते थे 2। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालो, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन तो क्या था आपका स्क्वायर रूट, तो सुनो यहाँ पर अगर x प्लस डेल्टा x आया है, तो x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप क्या रखोगे, फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप x प्लस डेल्टा x रखोगे कि नहीं रखोगे, तो स्क्वायर रूट के अंदर x था, लेकिन अब मेरा f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस डेल्टा, कुछ नहीं किया है, x की जगह x था, तो अब x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x, बात समझ में आई। लेकिन x प्लस डेल्टा x क्या होता था, जो अंदर लिखा होता था, बात समझ में आई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या है तुम्हारा 36.6, तो ये हो गया 36.6, यानी कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x, f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या है, जो क्वेश्चन में दिया है वही रूट ओवर 36.6, बस निकाल के दिखाना था ताकि फील है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा बच्चों, f ऑफ x प्लस डेल्टा x मैंने तुमको दिखाया कितना है,
ये है रूट ओवर 36.6 माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स तो तुमने पहले ही देखा था कितना था, रूट एक्स, अरे यहीं पे देखा था ना। और एक्स कितना था तुम्हारा, एक्स था तुम्हारा कितना 36, ठीक है। तो रूट ओवर एक्स किया मैंने 36 रखा, तो स्क्वायर रूट ऑफ, पहले यहीं पे दिखा देता हूँ तुम्हें, एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, रूट एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है 36, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है, 6 होता है, तो वो हम आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाएंगे। तो यहाँ से हो गया डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू रूट ओवर 36.6 माइनस, हाँ भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 36, ये तो 6 होता है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं बोथ साइड 6 ऐड कर दूँ, ये देखो ब्लू मार्कर से एडिंग 6 बोथ साइड, या इस 6 को इधर भेज दो, जो करना कर दो यार, 6 को बोथ साइड ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये 6 से 6 गया, अब आपके पास क्या आ गया, ध्यान से चेक करिए, आपके पास आ गया कि भाई रूट 36.6 इज इक्वल्स टू RHS को LHS में, LHS को RHS में लिख ले रहा हूँ, दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस, यानी कि रूट ऑफ 36.6 इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, डेल्टा वाई प्लस 6, ये आ गया। सपोज इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब देखो यही सारा खेल है, खेल क्या है कि रूट ऑफ 36.6 आपको निकालना था, ठीक है। अब रूट ऑफ 36.6 क्या आ गया, डेल्टा वाई प्लस 6 आ गया, ठीक है। अगर आपको किसी तरीके से डेल्टा वाई पता चल जाए, तो डेल्टा वाई हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारी रूट ओवर 36.6 की अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए जरा बात समझिए, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ये सब समझाने के लिए बताया था मैंने आपको, अभी 2-4 क्वेश्चन जहाँ किए, ठीक है, वहाँ आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, हमने आपको क्या बोला था, हमने बोला था कि ये जो डेल्टा एक्स है मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से जो डेल्टा एक्स आया था हम लोगों का, आपको याद होगा ना, मैंने निकाल के आपको दिखाया था, ये जो अंदर क्वांटिटी होती है ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स होती है ना, ये मैंने रब कर दिया। अब देखो x की वैल्यू कितनी थी 36, तो 36 उधर गया था, डेल्टा x कितना आया था आपका 36.6, और 36 माइनस करोगे x की वैल्यू, 36 उधर ले जाओ माइनस करो, तो 36.6 माइनस 36 कितना आया था, 0.6 आया था। तो ये डेल्टा x हमारा कैसा आया था, पॉजिटिव आया था, तो वही मैंने लिखा है कि डेल्टा x मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसी तरीके से डेल्टा y मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, यानी कि जो डेल्टा y अभी हम निकालने जा रहे हैं। अब देखो बच्चों, ये डेल्टा y के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है समझो रहा, ये फॉर्मूला होता है इस तरीके का, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब बोलेगा सर याद नहीं हो रहा है, ये इतना बहुत आसान है यार, समझो, देखो पता है क्या सोचो, तुम ऐसे सोच लो, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिख लो, देखो याद करने का तरीका बता रहा हूँ, इसके पीछे की मैथ्स तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है लिमिट्स में, ठीक है, फिर भी हम उसमें नहीं जाएंगे, उसमें जाएंगे तो उसी में रह जाएंगे फिर आधे घंटे तक, ठीक है। सिंपली ज़्यादा इसमें आपको पीएचडी नहीं करनी है, सिंपल देखो आप लिखो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी, इतना तो याद ही रहेगा ना, क्योंकि याद होगा ना क्लास 11 में हम इसकी लिमिट ही तो लेते थे, लिमिट क्या होता था, चेंज इन एक्स टेंस टू व्हाट, जीरो, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होता था, तो वहीं कहीं से ही आया, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है इसमें, सिंपली आप लिखो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, और ये डेल्टा एक्स उधर चला जाएगा, बस खत्म कहानी, बात समझ में आई कि नहीं, ऐसे मैंने फॉर्मूला ये वाला बनाया है, ये मेरा याद करने का तरीका है। चलो अब इस डेल्टा वाई को निकालने के लिए आपको डेल्टा एक्स पता होना चाहिए, पता है, अब डी वाई बाई डी एक्स भी तो पता होना चाहिए, ठीक, तो आइए जरा डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। हाँ, डी वाई बाई डी एक्स कहाँ से निकालते हैं, ये जो फंक्शन आपने चूज किया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई या फिर वाई इज इक्वल टू रूट एक्स, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखिए अगर y इज इक्वल्स टू क्या है रूट एक्स, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, इतना तो आना चाहिए, ठीक है, नहीं आता है तो एज अ फॉर्मूला याद कर लो आप इसको, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, वैसे तो आपको पता होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हो गया डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, 1/2 रूट एक्स, तो इसकी जगह हमने लिखा 1/2 रूट एक्स, और इन टू क्या है डेल्टा एक्स है, चलिए वैल्यू रखते हैं, तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स, टू रूट, हाँ भाई, रूट एक्स क्या था, रूट एक्स मतलब रूट ओवर एक्स की वैल्यू क्या थी 36, तो हमने 36 रखा, इन टू डेल्टा एक्स क्या आया था, डेल्टा एक्स आया था 0.6, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 1/2 इन टू रूट 36 कितना होता है 6, स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 इंटू 0.6, ठीक है। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाया हमने, यहाँ 10 आ गया, ऊपर बचा 6, यहाँ 6, 6 से 6 गया, ठीक है, और ध्यान से चेक करिए आपके पास क्या हो गया, 1/2 क्या होता है, 1/2 बचा वो होता है 0.5, और नीचे अभी 10 बचा हुआ है, 10 की हेल्प से ये पॉइंट एक प्लेस लेफ्ट में चला जाएगा, यानी कि 0.05 आ गया आपका, क्या आपका डेल्टा वाई का वैल्यू आ गया। अब लास्ट स्टेप आंसर स्टेप होता है, ठीक है, आंसर स्टेप में क्या करेंगे,
रूट ओवर 36.6 इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई. डेल्टा वाई तुमने कितना कैलकुलेट किया है, 0.05 और प्लस में 6. हाँ भाई, 6 में 0.05 ऐड करो, 6 को आप 6.00 लिख सकते हो और इसमें ऐड करना है 0.05. ठीक है, तो ऐड तो कर लोगे आप, ये हमने ऐड कर दिया तो कितना आ गया आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 का जो अप्रॉक्स वैल्यू आया है इक्वल टू ही लिखेंगे हम, लेकिन हम पता है एग्जामिनर लैंग्वेज लिखेंगे, हम बोलेंगे क्या कि द अप्रॉक्सीमेशन, देखिए जैसे एनसीईआरटी में लिखा वही लैंग्वेज यूज करोगे, द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट ओवर 36.6 इज वॉट इज 6.05. ठीक है, अब एक काम कर ही लेते हैं, चलो हम अपना कैलकुलेटर उठाते हैं यहाँ पर, आप भी उठा सकते हो, और मैं जरा चेक करता हूँ यहाँ से कि स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 कितना आता है. स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 स्टूडेंट, यस देखिए मैंने कैलकुलेटर से निकाला तो कैलकुलेटर से मेरा आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 जो मैंने कैलकुलेटर से आ रहा है वो आ रहा है 6.049 आ रहा है बच्चों. तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ, इतना बहुत तो फिजिक्स पढ़ा होगा आपने, यहाँ पे क्या है 9 है 5 से बड़ा है, तो यहाँ एक ऐड कर देंगे. हालांकि ये बहुत टेक्निकल बात मैंने नहीं करी, पर फिर भी ठीक है, ये काफ़ी डिटेल में टॉपिक होता है फिजिक्स में, तो वहाँ हम नहीं जा रहे हैं. तो 6.05 आया अप्रॉक्स वैल्यू इसका कि नहीं आया बताइए. तो इसको कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल कराता हूँ, आप धीरे धीरे पारंगत हो जाओगे अभी.